लिखते जाएंगे किसको, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ स्टार्ट कर दे रहा हूँ, क्लास रिकॉर्डिंग बाकी वीडियो भी वो छूट गया तो देख सकता है, ठीक है। तो आज सब कुछ हम डिस्कस करेंगे भाई कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव एडवर्ब एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट है उन सबको हम सीखेंगे, और ना सिर्फ रटने के हिसाब से, हम उसको डेफिनेशन के हिसाब से नहीं, एग्जाम्पल के हिसाब से भी नहीं, हम उसको प्रैक्टिकली समझेंगे। यानी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि भाई नाउन को याद कैसे रखना है, प्रोनाउन कैसे पहचानना है, एडजेक्टिव एडवर्ब कैसे पहचानना है, कौन सा कहां लगता है, क्या लगता है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा, समझ जाएंगे आप। ध्यान से बने रहिए, क्लास ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, हाफ आवर की क्लास होगी, हम उसमें पूरा कंटिन्यू कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। पांच फैक्ट भी बताऊंगा मैं आपको नाउन के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना देरी किए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम देखें, पहले इसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब होता है बोलना, यानी कि स्पीकिंग। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पहली क्लास में ही कि भाई हम ग्रामर को, इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज के रूप में पढ़ेंगे, ना कि एज ए सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन जो करते हैं या फिर आर्ट्स जो करते हैं उनके लिए होता है, जो फिलोसोफर बनते हैं। फिलहाल हमारे लिए क्या है, ट्वेल्थ की एग्जाम, टेंथ की एग्जाम, एट्थ नाइन्थ की एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होगी उसकी एग्जाम। तो हम वहां पर इंग्लिश ग्रामर को एज ए सब्जेक्ट नहीं, एज ए लैंग्वेज पढ़ रहे हैं कि इसे बोलना कैसे है, इसे लिखना कैसे है, ठीक है। तो हम पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि हमारे बोलने में जिन जिन चीजों का प्रयोग होता है, हमारे स्पीच में जिन जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें ही पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर आपके सामने आठ है दिए हुए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटर, ठीक। नाउन जो वर्ड है ये क्या है, संज्ञा है। नाउन जो वर्ड है वो संज्ञा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नाउन शब्द कहीं और से नहीं लिया गया, नाउन शब्द जो है हमारे संस्कृत भाषा से लिया गया। जी हाँ, संस्कृत भाषा से ही ओरिजिनेट हुआ पहले, सबसे पहले तो भाई उसका ओरिजिनेशन संस्कृत भाषा से ही है। यानी आपको पता होगा ऑलरेडी की दुनिया की सबसे पुरानी जो भाषा है, प्राचीन भाषा है, वो कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा है। आप सभी जानते होंगे ना, संस्कृत लैंग्वेज इज मोस्ट ओल्डेस्ट है ना, ओल्डेस्ट है, एंशियंट लैंग्वेज है संस्कृत। तो संस्कृत भाषा से ही इसको लिया गया नाउन का कॉन्सेप्ट। अब नाउन वर्ड जो है वो लैटिन ग्रीस वर्ड से लिया गया है, ठीक है। लैटिन वर्ड जो है नोमिन, उससे लिया गया, उसका मतलब होता है नेम। और आपने नाउन का डेफिनेशन तो सब लोग जानते होंगे, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। तो वही भाई लैटिन वर्ड जो है नोमेन, उससे लिया गया है। नाउन जो है कहीं और से नहीं, लैटिन वर्ड नोमेन से लिया गया, लैटिन वर्ड नोमेन, NOMEN, नोमेन, जिसका मतलब क्या होता है, नेम। नेम मतलब नाम। और सब लोग नाउन की डेफिनेशन तो ऑलरेडी जानते होंगे भाई आप सब लोग, कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। किसी भी चीज के नाम को ना नाउन बोल देते हैं। तो भाई लैटिन वर्ड नोमेन का मतलब ही होता है नाम, नेम। तो इसलिए नाउन को उसी नाम पर रखा गया है। और ये जो नेम है, ये नोमेन है, लैटिन वर्ड ये जो नाउन है, इसका कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया, तो क्लियरली इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है हमारे संस्कृत लैंग्वेज से। जी हाँ, संस्कृत का जो लैंग्वेज है वहां से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। संस्कृत भाषा में जो भी ग्रामर लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, पाणिनि के द्वारा। आपको पता होगा पाणिनि जो हमारे बहुत बड़े व्याकरण रहे, हिंदी के व्याकरण करता, उन्होंने लिखा हुआ है, बुक्स लिखी हैं लिटरेचर में, आपको पता ही होगा। तो हिंदी व्याकरण के बारे में आप जानते ही होंगे। तो हिंदी व्याकरण में पहले सर्वप्रथम संज्ञा का कॉन्सेप्ट था, संज्ञा यानी कि नाउन। जी हाँ, हिंदी में से संज्ञा कहते हैं। यही से इंग्लिश भाषा लिखने वालों ने, बनाने वालों ने वो कॉन्सेप्ट चोरी किया है, कॉपी किया है नाउन का, ठीक है। तो नाउन जो है वो कोई इंग्लिश नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट है पहले संस्कृत में था, संस्कृत से हिंदी में, और वहां से फिर पहुंचा ये इंग्लिश में। तो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, वहां से डिराइव किया गया इसको। ये फैक्ट नंबर वन था हमारा, फैक्ट नंबर वन कि भाई नाउन के बारे में पहला फैक्ट ये कि नाउन जो है वो लैटिन वर्ड नोमेन से लिया गया है, और जिसका मतलब होता है नेम, नाम। इसे तो हम बोलते हैं नाउन इज द प्लेस ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग। और दूसरी बात ये है कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है नाउन का कि संज्ञा होना चाहिए, नाउन होनी चाहिए, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। हमारे देश की जो संस्कृत भाषा है, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। आई होप कि आपको पता होगा कि संस्कृत इज नोन एज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, तो वहां से लिया गया है। और इस प्रकार से नाउन का ये पहला फैक्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कहीं भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि नाउन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड नोमेन से लिया गया, जिसका मतलब होता है नेम। और ये पूरा कॉन्सेप्ट लिया गया है नाउन का, कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ नाउन के कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ लिया गया कहां से, हमारे संस्कृत भाषा के संज्ञा से, जिसे लिखा था पाणिनि ने। जी हाँ, तो वो जो सब हमारे पुराने ग्रंथ है, शास्त्र है, उनमें लिखा हुआ है। और ये 5 BC से चला आ रहा है, बिफोर क्राइस्ट के बर्थ से, 5 सेंचुरी से चला रहा है, समझ लीजिए आप, ठीक है।
तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच के, थोड़ा सा नाउन के बारे में मैंने जस्ट एक फैक्ट बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी पार्ट है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सबको जानना, पहचानना, सीखना, कॉन्सेप्ट याद रखना कैसे। अक्सर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ क्लास में, ऑलरेडी कई मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको मैं अक्सर बताता हूँ कि भाई काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन कैसे नापते हैं, प्लूरल सिंगुलर नाउन कैसे नापते हैं। तो आपके लिए और भी बता दूं, कुछ नाउन दिखते प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है, कुछ नाउन दिखते सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल है। आपको पता होगा कि भाई किसी भी चीज को अगर प्लूरल सिंगुलर बनाना तो कैसे करते हैं, भाई ये बुक है इसको अगर मैं प्लूरल बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, बताइए कैसे प्लूरल बनाएंगे इसको। ठीक है, एस लगा दिया, बना लिया प्लूरल, बिल्कुल सही है, सही बोल दिया आपने, बुक्स लगा के, गर्ल है तो उसमें एस लगा दिया, गर्ल्स हो गया, बॉय है तो भाई उसमें एस लगा दिया, बॉयज हो गया प्लूरल, बन गया प्लूरल। लेकिन लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि आप देखो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स तो क्या बोले, बहुत सारे मैथ्स यहाँ भी तो एस लगा हुआ है, बहुत सारे मैथ्स नहीं है ऐसा, ये हमें दिख रहा है प्लूरल लेकिन एक्चुअली में क्या है सिंगुलर वर्ड, ये हमें दिख रहा है प्लूरल लेकिन एक्चुअल में शब्द क्या है सिंगुलर शब्द ही है। ठीक है, मैथमेटिक्स। अब बात कर लें फिजिक, फिजिक वर्ड तो आपने सुना होगा लेकिन फिजिक सब्जेक्ट है तो ये भाई सिंगुलर ही है, हमें दिखता है एस लगा है प्लूरल है लेकिन है ही सिंगुलर। जैसे कि बात कर ली न्यूज, NEWS न्यूज, तो भाई उसमें एस लगा हुआ दिख रहा है लेकिन नहीं भाई वो क्या है अपने लिए प्लूरल ही नहीं है सिंगुलर ही है, दिख तो रहा है प्लूरल है कि एस लगा है एस लगा लेकिन नहीं भाई ये सिंगुलर ही होता है। ये फैक्ट नंबर टू, कुछ नाउन दिखते प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है और कुछ दिखते सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल है। जैसे कि चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चाइल्ड मतलब क्या होता है एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब क्या होता है ढेर सारे बच्चे, तो इसमें कहीं एस ई एस लगा है क्या बताओ, कहीं एस ई एस लगा है नहीं लेकिन फिर भी शब्द क्या है प्लूरल। अगर हम बात करें वोमैन, WOMAN वोमैन, तो ये एक सिंगल औरत के लिए वोमैन बोलते हैं लेकिन जब प्लूरल बनाना होता है तो ई लगा देते हैं वोमैन, तो ये भी इसमें एस एस नहीं लगा लेकिन ये भी क्या है प्लूरल शब्द है। यानी कह सकते हैं कि थोड़ा सा हटके चीजें हैं, फनी लैंग्वेज जैसा इंग्लिश के बारे में आप तो सुनते होंगे डायलॉग, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, तो बिल्कुल उसी के तरह भाई बिल्कुल वही चल रहा है यहाँ पर, देख पा रहे हैं मैन में भी यही करते हैं MAN मैन, MEN मैन, यानी कि कुछ चीजें दिखती सिंगुलर लेकिन होती प्लूरल है, कुछ चीजें होती प्लूरल है लेकिन दिखती सिंगुलर है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये आपके तीन फैक्ट हो गए नाउन के बारे में, तो यही सारे फैक्ट जो है आपको जानकारी याद रखनी है, छोटे छोटे फैक्ट्स बट एग्जाम में बहुत काम आते हैं। और याद रखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी नॉर्मल चीज नहीं पूछता, वो एबनॉर्मल पूछता है, एक्सेप्शन जो किसी को पता नहीं रहे, जैसे हर कोई नाउन की डेफिनेशन रट के जाएगा बट कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नाउन की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो नाउन का कॉन्सेप्ट पूछ देगा, बोल देगा कि पहचानो चारों में से कौन सा प्लूरल नाउन है और ऐसे ही शब्द दे देगा, तो जिसको पता नहीं होगा कॉन्सेप्ट वो क्या करेगा रट के गया है उसको एस एस दिखेगा तो बोल देगा कि नहीं नहीं ये तो प्लूरल है जबकि यहाँ पर एस लगे वाले सिंगुलर हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है क्योंकि वहां पर माइंड टेस्ट करना होता है इस व्यक्ति को कितना है ना भाई, तो रट के तो डेफिनेशन बोल भी जा सकता है तो वहां पर वो नहीं पूछा जाता, तो यही हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये तीन फैक्ट होते हैं, बाकी के दो फैक्ट बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं नाउन की, नाउन के बारे में सभी जानते होंगे कि डेफिनेशन तो मैं पढ़ाने वाला हूँ नहीं, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। ठीक है, कल हम नाउन का एक सेपरेट लेक्चर करेंगे जिसमें नाउन के सारे टाइप्स सब पढ़ लेंगे, डिटेल में स्टडी कर लेंगे। ठीक है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, नॉन काउंटेबल, जितने भी होंगे, जेंडर जो होता है नाउन का, तो सब कुछ कल नाउन के बारे में पूरी क्लास कल नाउन के बारे में रहेगी। और कल की क्लास करने के बाद नाउन जो है आपको हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, मतलब आपको कभी नाउन देखना भी नहीं पड़ेगा, हर टाइप से, जेंडर के टाइप से, नंबर के टाइप से, हर टाइप से नाउन को मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, बेसिक लेवल से लेकर अप टू मार्क लेवल, ग्रेजुएशन लेवल तक का ग्रामर पूरा बता दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ मैं नाउन की डेफिनेशन नहीं पढ़ाने वाला, नाउन के ऊपर सेपरेट क्लास हम कल कर लेंगे, तो नाउन के टाइप्स भी उसी में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं नाउन की, तो नाउन का जनरल इंट्रोडक्शन, एनीथिंग, जो भी जिसका भी कुछ नाम होता है वो नाउन में आता है। तो इस वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज है मुझे बता दो जिसका नाम नहीं होता, कोई ऐसी चीज है इस वर्ल्ड में जिसका कोई नाम नहीं है बताओ, मतलब हरी, मतलब कि हर एक चीज का नाम है, क्लियर, एम आई राइट, हर एक चीज का नाम होता है, जब हर चीज का नाम है तो भाई हर चीज नाउन ही होगी ना, एवरीथिंग इज नाउन ना, एवरीथिंग इज नाउन भाई, जब हर चीज का नाम है तो नाउन की डेफिनेशन ही तो यही है कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, पर्सन कोई व्यक्ति, प्लेस मतलब की जगह, थिंग मतलब एनिमल्स भी आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी आती है, तो इस दुनिया में जगह के अलावा, चीजों के अलावा और पर्सन व्यक्तियों के अलावा और कुछ बचा ही नहीं है इस दुनिया में, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, दूसरी कुछ है ही नहीं ना, तो सब कुछ आ गया, उन सब का नाम भाई नाम होना चाहिए, नाम मतलब समझो, अगर मैं बोल दूं बॉय
तो मुझे बताओ बॉय परफेक्ट नाउन है या मैंने बोल दू श्याम, बताओ श्याम S-H-Y-M, श्याम ठीक है, तो बताओ दोनों में से कौन नाउन है, कौन नाउन है दोनों में से, श्याम तो बॉय नाउन नहीं है। हाँ कहने का मतलब यह है कि भाई नाउन में कुछ टाइप भी होते हैं, क्यों, क्योंकि नाउन में कुछ ऐसा नाउन होगा जिसको बस नाम सुनते बराबर एक खास व्यक्ति के बारे में आप जान जाएंगे, श्याम, श्याम एक ही लड़का है, खास की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, तो ये भाई हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम बॉय की बात करें तो दुनिया में बॉयज तो एक ही टाइप के होते हैं, एक ही टाइप के मीन सारे बॉय 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 मेल जेंडर वाले, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही बॉय है, मैं भी हूँ, क्लास कर रहे हैं आप में से बहुत सारे भी हैं और भी पूरी दुनिया में बहुत सारे बॉयज हैं, तो भाई वो पूरी प्रजाति पूरी स्पीशीज पूरी कम्युनिटी की बात हो गई, तो ये हो गया कॉमन, सब पे कॉमन है, मैं बॉय हूँ मेरा कॉमन, आप बॉय है तो हम दोनों में एक चीज कॉमन है, बहुत सारे लोग जो है मेल है वो बॉय है तो सब में हम में एक चीज कॉमन है, तो हम सब नाउन है लेकिन कॉमन है, तो इस वजह से हम कॉमन नाउन कहलाते हैं और किसी का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो इस प्रकार से मैं कह पा रहा हूँ कि नाउन के टाइप्स वगैरह है तो हम बाद में पढ़ेंगे, कल के क्लास में नाउन के पूरे टाइप्स हम पढ़ेंगे, पूरा एक एक करके क्लियर करेंगे। फिलहाल तो हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन एनिमल और थिंग। देखिए नाउन को क्या कहते हैं कि भाई ये नाउन है, तो नाउन का जो कॉन्सेप्ट होता है जिस भी चीज को आप देख सकते हैं, जिस भी चीज को आप फील कर सकते हैं, जिस भी चीज को आप टच कर सकते हैं, जी हाँ, सी फील टच, ठीक है, आप चाहे तो नोट कीजिए ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है बता रहे हैं, नाउन मतलब भाई जिस भी चीज को आप देख पाएंगे, जिस भी चीज को आप फील कर पाएंगे, जिसको भी आप टच कर पाएंगे उसको नाउन बोलते हैं। अब आता है प्रोनाउन, तो आई होप कि आप सबको पता होगा प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन व्हाट इज प्रोनाउन, ठीक, हाँ नाउन के स्थान पर लगाते हैं भाई उसको बोलते हैं प्रोनाउन, नाउन मतलब वो चीज जो नाम है किसी का, जगह का, व्यक्ति का, वस्तु का, तो उसके स्थान पर, मैंने बोला राम इज ए गुड बॉय, पर राम को हटा दो और वहां पर लगा दो ही, तो ही इज ए गुड बॉय, तब भी नाउन ही रहा, लेकिन भाई हमने जो प्रॉपर नाउन लगाया था ना उसको हटा दिया, नाम हटा के कॉमन कर दिया, तो वो उसको बोलेंगे प्रोनाउन। तो ये कहाँ लगता है, प्रोनाउन जो है इन प्लेस ऑफ नाउन लगता है, इस बात को ध्यान रखिए, प्लेस ऑफ नाउन या इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर, नाउन के जगह पर, है ना, नाउन का बर्डन कम करने के लिए बार बार नाउन ना बोल के उसके स्थान पर उसकी हेल्पिंग के लिए जो वर्ड लगाते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन या इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के जगह पर या नाउन के स्थान पर लगाते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं भाई। तीसरा प्रोनाउन हो गया। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। अब यहां से कौन से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, थोड़ा समझना चाहिए, अब यहां से कंफ्यूजिंग होता है कई लोगों को, कैसे कंफ्यूजिंग होता है मैं आपको बताता हूँ, कई लोग कंफ्यूज होते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब में, कई लोग कंफ्यूजन होते हैं भाई एडजेक्टिव एडवर्ब। अब वर्ब का मतलब तो आप सबको समझता है ना, वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, जब कोई काम होता है ना उसको वर्ब कहते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कैसे पढ़ाया जाता है हिंदी मीडियम में, जब इंग्लिश पढ़ाते हैं ना बच्चों को तो कैसे बताते हैं, जिस भी चीज के लास्ट में ना लगता है, जैसे कि मैंने कहा लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, बोलना, सुनना, जिस भी चीज के लास्ट में ना लगता हो उसको वर्ब कहते हैं, आप खुद ही बोलकर देखो, सोच लो, थिंकिंग, सोचना, ना लग गया वर्ब है, लिखना, राइटिंग, राइटिंग ना लग गया भाई वर्ब है, जिस भी चीज में लास्ट में ना लगता है ना, दौड़ना ना लग गया, जितने भी हिंदी वर्ड ढूंढ लो आप भाई वर्ब वाले सब में ना ना लगेगा, यानी जिन भी शब्दों के लास्ट में ना लगता है हिंदी में उनका इंग्लिश वर्जन जो होता है वो क्या होता है, हमारा क्या होता है, वो वर्ब होता है, क्रिया होती है, वर्ब मीन्स एक्टिविटी, कोई काम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना ना लग गया, टीचिंग क्या हो गया वर्ब, आप जैसे पढ़ रहे हैं तो सुन रहे हैं तो लिसनिंग, सुनना वर्ब हो गया, ठीक है, तो भाई आप सीख रहे हैं, सीखना ना लग गया तो वर्ब, तो वर्ब का मतलब होता है एक्टिविटी, ठीक है। अब आता है एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव को ध्यान से सुनना, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना, क्वालिटी बताना, ठीक है, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख दूं यहां पर कि राम इज ए गुड बॉय, अब भाई मैंने यहां लिखा राम इज ए गुड बॉय, तो मुझे एक बात बताओ ये गुड शब्द जो है ये क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, अच्छाई बता रहा है। अब देखो क्वालिटी कैसी भी हो सकती है भाई, बुरा भी हो सकता है, अगर मैं गुड को यहाँ बैड कर दूं तब भी तो वो क्वालिटी बताएगा ना, अच्छा नहीं है बुरा है, अगर मैं बता दूं एवरेज है ना, अच्छा है ना बुरा है, तो भी भाई वही, यानी ऐसा कोई भी शब्द जो क्वालिटी बताएगा, चाहे क्वालिटी अच्छी हो बुरी हो नॉर्मल हो कोई फर्क नहीं पड़ता,
ऐसा वर्ड जो किसी की या किसी की मतलब नाउन प्रोनाउन की, ऐसा वर्ड जो नाउन की क्या बताता हो, क्वालिटी बताता हो। यहाँ राम की जगह में ही भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये गुड शब्द ने राम की क्वालिटी बताई, राम भाई अच्छा लड़का है, तो गुड हमारे लिए क्या हो गया, एडजेक्टिव। गुड हमारे लिए क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया भाई। तो इस प्रकार से यदि कोई शब्द नाउन प्रोनाउन की खासियत रखता है, डेफिनेशन मत रखो, कोई जरूरत नहीं है, सेंटेंस को भी ज्यादा ध्यान मत दो, बस सोचो कि ऐसा शब्द जो किसी क्वालिटी बताएगा, जैसे मैंने कहा ही इज ए फैट बॉय, वो मोटा लड़का है, तो कौन सा शब्द हमारे लिए एडजेक्टिव हो गया, फैट, क्योंकि भाई उस शब्द ने बताया ना, फैट शब्द ने बताया कि वो क्या है, मोटा है, वो कैसा है, वो कैसा दिख रहा है, शी इज अ थिन गर्ल, वो पतली लड़की है, तो किस शब्द ने बताया कि वो पतली लड़की है भाई, थिन शब्द ने बताया, तो थिन मतलब क्या, पतली, दैट मींस ये हुआ कि उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, शी इज अ टैल गर्ल, वो लंबी लड़की है, तो टैल ने बताया कि वो लड़की कैसी है, शी इज अ शॉर्ट गर्ल, वो शॉर्ट है, छोटी है, किसने बताया, शॉर्ट शब्द ने बताया। तो भाई यही एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, कैसे कभी बोलना मत। और ये एग्जाम में रेलवे का, मैं खुद रेलवे का एग्जाम देने गया था, वहां पर मुझसे ये सवाल पूछा गया था एग्जाम में, जी हाँ ऑनलाइन एग्जाम था मेरा, इंदौर में पेपर देने गया था, वहां पर ये सवाल पूछा गया था एडजेक्टिव का, चार शब्द दिए गए थे और पूछा था कि इनमें से कौन सी चीज एडजेक्टिव होगी, चार सेंटेंस दिए गए और पैसा रहा कि एडजेक्टिव वाला सेंटेंस कौन सा है। तो भाई बोर्ड एग्जाम में हो गया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो गया, इन जैसे एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में भी ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा, कभी नहीं भूलेगा। और इवन आप बड़े बड़े क्लास में चले जाओ, ट्वेल्थ में चले जाओ, उनको भी पूछोगे ना, कई ऐसे ऐसे गधे मिलेंगे आपको, आपके दीदी भैया में से बहुत सारे होंगे जो पढ़ते होंगे आपके स्कूल में, उन गधों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनको एडजेक्टिव एडवर्ब पता ही नहीं होता, उनको नाउन प्रोनाउन के बारे में, एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में डिफरेंस ही नहीं पता रहता उनको, ऐसे होगा, आपको जानते भी होंगे भाई, यही कॉन्सेप्ट है। एडजेक्टिव जो है ये क्वालिटी को शो करता है, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ नाउन। यहाँ पे मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट लिख रहा हूँ। नाउन मतलब जिसको सी कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। प्रोनाउन मतलब प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर लगा। एडजेक्टिव मतलब भाई क्वालिटी बताएगा नाउन की या फिर प्रोनाउन की, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा वो एडजेक्टिव। अब आता है वर्ब, भाई वर्ब भी सेम टू सेम इसके जैसा ही, एडजेक्टिव जैसा, लेकिन ये नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता था और एडवर्ब काई की क्वालिटी बताता है भाई, काई की क्वालिटी बताएगा एडवर्ब, एनीवन, वर्ब की क्वालिटी, नाम नहीं है भाई, एड वर्ब, एड मतलब जोड़ना, एक्स्ट्रा जोड़ना, वर्ब में एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब। यानी यहाँ पर क्या होगा, क्वालिटी ऑफ वर्ब, भाई क्वालिटी ऑफ वर्ब, यानी कि क्वालिटी ऑफ कोई वर्ब या काम, कोई भी वर्क, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी क्रिया, उसकी क्वालिटी बताएगा तो एडवर्ब। जैसे कि मैं यहाँ सेंटेंस की दू, ही स्पीक्स गुड इंग्लिश, भाई वो अच्छी इंग्लिश बोलता है, तो इंग्लिश तो सब लोग बोल लेंगे, हर कोई बोल लेगा इंग्लिश, हाँ टूटी फूटी सही गलत हर कोई बोल लेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो इंग्लिश बोलने की क्वालिटी है किसकी है, ही की क्वालिटी है। ये जो गुड शब्द यहाँ पर देख लो, गुड तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, गुड इसके पहले हमने लिखा था एडजेक्टिव वाले में, वहां भी गुड था, वहां गुड राम की क्वालिटी बताते थे, राम अच्छा लड़का है, यहाँ पर ये गुड शब्द किसी क्वालिटी बता रहा है, स्पीकिंग की क्वालिटी बता रहा है राम की, या ही की क्वालिटी बता रहा है या इंग्लिश की क्वालिटी बता रहा है, किसी क्वालिटी बता रहा है भाई, स्पीकिंग, भाई बोलना हर किसी को आता है, जिसके मुंह में जबान है भाई, जिसको वोकल कॉर्ड है, हर कोई बोल लेगा, है ना, कुछ ना कुछ तो बोल ही लेगा इंग्लिश, टूटी फूटी कैसी ना कैसी बोलेगा, लेकिन हर कोई अच्छी इंग्लिश बोल पाता है क्या, नहीं बोल पाता। तो ये जो गुड शब्द है ये स्पीकिंग की क्वालिटी है भाई, इसके बोलने की क्वालिटी है, बोलता तो हर कोई है बट हर कोई अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता, तो ये जो क्वालिटी है ये स्पीकिंग की क्वालिटी है। तो क्वालिटी ऑफ वर्ब बताया तो भाई जान लेना। और वैसे भी आपको मैं बता दूं कि सबसे आसान तरीका ये है कि अगर एडजेक्टिव पहचानना है तो व्यक्ति के बारे में होगा, यानी व्यक्ति मोटा है, पतला है, अच्छा है, बुरा है, उसके बारे में होगा, ठीक है। तो और एडवर्ब पहचानना है, उसके काम कैसे हैं, उसके लक्षण कैसे हैं, उसके बारे में बताएंगे, उसके काम कैसे चल रहे हैं भाई, कि वो जल्दी काम करता है, लेट काम करता है, अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है, फास्ट लिखता है, स्लो लिखता है, तेज दौड़ता है, स्लो दौड़ता है, तो इन सब चीजों की क्वालिटी बताएगा ना, उसके वर्ब की क्वालिटी, तो भाई उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। क्लियर हुआ क्या, है ना, उसके काम करने के तरीकों को बोलेंगे भाई, उसका जो काम करने का तरीका है ना उसको हम बोलेंगे एडवर्ब, उसका जो काम करने का तरीका है उसको एडवर्ब बोलेंगे। अब आते हैं भाई प्रीपोजिशन पे, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है, अब नाम ही देख लो भाई, प्रीपोजिशन नाम नहीं है, प्रीपोजिशन, पोजिशन मतलब होता है कि स्थान पर, ठीक है, स्थान, प्लेस, है ना, अवस्था, वो किस कंडीशन में है भाई,
किस कंडीशन में है, स्थिति कहां पर है, वो स्थिति कहां पर है, वो प्लेस बताएगा एग्जैक्ट। जैसे कि मैं कहूं कि द मार्कर इज ऑन द बोर्ड, तो बताओ कौन से शब्द ने बताया कि मार्कर कहां पर है, कौन से शब्द ऑन ने बताया भाई, ऑन। तो ऑन शब्द हमारे लिए क्या हो गया, पोजिशन, क्योंकि भाई इस ऑन शब्द ने बताया कि ये मार्कर की पोजीशन कहां पर है, इसका स्थान कहां है। अब मैं बोलूं मार्कर इज इन माय हैंड, कौन से शब्द ने बताया कि ये मेरे हाथों में है, इन शब्द ने बताया, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो इन शब्द है वो प्रीपोजिशन हो गया। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन, द बुक इज इन टू द टेबल, टेबल के अंदर, इन टू, द बुक इज ओवर द टेबल, ठीक है। अब तो कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ प्रीपोजिशन में, अक्सर आप लोग सुनते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि द स्काई इज ओवर द हेड, द रूफ इज ऑन द हेड, द कैप इज ऑन द हेड। तो ये ऑन और ओवर का मतलब ऊपर ही होता है, ठीक है, याद रखिए ऑन और ओवर का मतलब ऊपर है। लेकिन अगर कोई चीज हमारे ऊपर है और हमसे टच होकर है तो ऑन बोलते हैं, द हेयर इज ऑन द हेड, क्योंकि बाल हमारे सर से टच होते हैं, द हेयर इज ऑन द हेड, हेयर्स आर ऑन द हेड बोलेंगे, कभी ओवर नहीं बोलेंगे। बट स्काई, स्काई जो है ना छत है, रूफ है, या स्काई आसमान जो है वो ओवर द हेड है, क्यों भाई, क्योंकि वो हमारे ऊपर है लेकिन हमारे सर से टच होके नहीं, हम थोड़ा ज्यादा ही ऊपर है, इसलिए उसको ओवर बोलते हैं। तो याद रखिए ऑन और ओवर का मतलब एक ही होता है, दोनों प्रीपोजिशन ही है, दोनों का मतलब ऊपर ही है, लेकिन ऑन तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज हमसे टच होकर है। द माय हैंड इज ऑन द हेड, क्योंकि भाई ये मेरे सर से टच होकर है। My hand is over the head, क्योंकि मेरे सर के थोड़ा सा ऊपर है, टच होके नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ ये ऑन और ओवर का कॉन्सेप्ट, ठीक। तो ये भाई ऑन और ओवर है, कई बड़े बड़े मतलब ट्वेल्थ में पढ़ने वाले, ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ने वालों को ये ऑन ओवर का फर्क नहीं पता, उनको लगता है ओवर मतलब भी ऊपर, ऑन मतलब भी ऊपर। भाई कॉन्सेप्ट याद रखिए, ऑन ओवर का मतलब ऊपर ही है, लेकिन अगर हमारे हमसे टच होकर हमसे बहुत पास में है तो ऑन, और हमसे थोड़ा दूर में है, टच होके नहीं है तो ओवर, ठीक है, ये हो गया प्रीपोजिशन। अब हम बात करते हैं भाई कंजंक्शन की, कंजंक्शन, ठीक है। अब कंजंक्शन क्या होता है, तो देखिए भाई कंजंक्शन, जंक्शन आपने सुना होगा, जंक्शन, जंक्शन सब सुने होंगे आपको, और कं का मतलब कनेक्ट से है, कनेक्ट मतलब जोड़ना, और जंक्शन वो होता है जहां पे बहुत सारी चीजें आकर मिलती जाती है, उसको जंक्शन कहते हैं, यानी जो जुड़ाव है, जहां से सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो कंजंक्शन मतलब जोड़ना, जो भी शब्द बड़ा आसान है, कोई डेफिनेशन मत रटो, द वर्ड विच जॉइन टू सेंटेंस, ऐसा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो, ऐसा शब्द जो दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को जोड़ता हो, जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, कौन से शब्द जोड़ा, एंड, तो एंड हमारे लिए क्या बन गया, कंजंक्शन। और अब दोनों में बताता हूं, ही वॉज स्टडी बट ही फेल्ड, कौन से शब्द, बट, हाँ। और कौन से बताता हूँ मैं आपको, देखो इसमें कॉन्सेप्ट, अब जोड़ने वाला तो आपको पता है भाई कि जो जोड़ेगा, लेकिन कौन से बताता हूँ, हाँ, जब आप बोलोगे ना सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को आप बोलते हो और जहां पर बोलते हुए अटक जाओ और आपको टोन चेंज करना पड़े, वो बहुत मेहनत करता था लेकिन फेल हो गया, तो कहां पर रुके हम, था पे रुक गए और लेकिन से चेंज किया, तो लेकिन हमारे लिए क्या हो गया भाई, कंजंक्शन हो गया। तो याद रखिए इंग्लिश और हिंदी का भी कॉन्सेप्ट है, दोनों में यही कॉन्सेप्ट है कंजंक्शन का, कि जहां भी आप बोलते वक्त थोड़ा सा अटको या फिर अपने टोन चेंज करो तो आप उसको क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे उसे, क्या कहेंगे आप उसे, कंजंक्शन, याद रहेगा कॉन्सेप्ट। ये शब्दों को जोड़ने का काम करता भाई, शब्दों को जोड़ना, ज्वाइंट, ज्वाइंट का काम है इसका, ठीक है, ये ज्वाइंट करता है, याद रखिएगा, ये ज्वाइंट काम है इसका, कनेक्शन, कनेक्ट करता है। और कई शब्द जैसे कि और, ही और मी, सीता और गीता, ये और में जोड़ा, अथवा, ठीक है, एंड, तथा, और, इफ, इफ, ही विल फेल इफ ही डू नॉट वर्क हार्ड, इफ ही डिडंट वर्क हार्ड, ही विल फेल इफ ही डिडंट वर्क हार्ड, कहां पे मैंने टोन चेंज किया, इफ में, तो इफ हमारे लिए क्या हो गया, कंजंक्शन, ठीक है। तो यहां हो गया भाई कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। अब हम बात करते हैं भाई इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन लास्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है इंटरजेक्शन। तो देखिए इसको भाई, इंटरजेक्शन क्या होता है, ये फीलिंग्स होती है भाई, इंटरजेक्शन मतलब फीलिंग्स, इमोशंस, एक्साइटमेंट, कैसे, अभी आपको बताता हूं, बहुत आसान है ये। देखिए आपने सुना होगा अक्सर कि जब कभी हमारे मन में जैसी फीलिंग आती है उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए कभी गुस्सा आएगा तो गाली निकलेगी मुंह से, कभी अच्छा लगेगा तो वाओ जैसा शब्द बोलते हैं, ठीक है ना, वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसा बोलते हैं, या फिर
कुछ अचानक से देख लिया, कुछ काम है, चोट लग गई, तो आउच बोलते हैं। तो फीलिंग्स के हिसाब से निकलने वाले शब्दों को इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है। फीलिंग्स के हिसाब से जैसी फीलिंग है वैसा शब्द। मान लो आपको बहुत बड़ा भूत देख लिया, भूत एकदम डरावना है, तो आपका बोलोगे वाह क्या भूत है, ऐसा तो आप बोलोगे नहीं भाई, क्यों? क्योंकि डरावना है, तो आप डर जाओगे, तो उसको कुछ अलग शब्द का प्रयोग करोगे, वाह नहीं। लेकिन आपको बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिखे, बहुत ब्यूटीफुल मोर दिख जाए, पिकॉक दिख जाए, कोई जानवर दिख जाए, बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड हो, तो आप बोलोगे वाह कितनी अच्छी ब्यूटीफुल बर्ड है, वाह कितना अच्छा फ्लावर है। इन सब चीजों को देख के वाह जैसा शब्द निकलता है। तो वाह जैसा शब्द जो है वो हमारे लिए क्या है, इंटरजेक्शन है। और एक बात बताते हैं, इंटरजेक्शन पहचाने का सबसे बेस्ट तरीका, इंटरजेक्शन के लास्ट में ना ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल रहता है, एक्सक्लेमेटरी सिंबल होता है, या फिर इसे उल्टा आई भी देखो, उल्टे आई जैसा रहता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं, या फिर एक्सक्लेमेटरी सिंबल। इंग्लिश में याद रखिए एक्सक्लेमेटरी सिंबल, हिंदी में विस्मयादिबोधक कहते हैं इसे, ठीक है। तो भाई यही सिंबल जो है इंपॉर्टेंट है, इस ये जहां आपको दिख गया समझ जाना उसके पहले क्या है भाई, इंटरजेक्शन है। जैसे कि कभी दर्द होगा तो हम कहेंगे आउच, ठीक है। कभी मान लो हम लोग बहुत दुख में होंगे तो बोलेंगे एलस, या कभी मान लो बहुत आश्चर्य होगा, खुशी भी हो रही है तो बोलेंगे वाह। इस प्रकार के शब्दों को कहते हैं क्या, इंटरजेक्शन कहते हैं, इसे कहते हैं इंटरजेक्शन। कभी हम खुश हो जाते हैं, किसी की तारीफ करनी है, किसी की तारीफ करनी बोलेंगे वाह वेल डन, ब्रावो, ब्रावो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ब्रावो बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है। या कभी जीत गए तो बोलते हैं ना हिप हिप हुर्रे, तो हुर्रे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, HURRE, हुर्रे शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हुर्रे हम जीत गए, बहुत खुशी हो गई, ठीक है। तो इन प्रकार के शब्दों को ही कहते हैं इंटरजेक्शन। क्यों? क्योंकि ये फीलिंग के साथ निकलते हैं, अलग अलग फीलिंग में अलग अलग शब्द निकलता है, इसलिए इसे कहते हैं क्या, इंटरजेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पूरे पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो गए, ठीक है, यहाँ पर सब क्लियर हो गया। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करके फिर से एक बार क्लियर रिकॉल करता हूँ कि नाउन भाई हर एक चीज जिसका भी नाम है वो नाउन है, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन एनिमल और थिंग। दूसरी बात, नाउन को हटाकर जिस शब्द को प्रयोग करेंगे, ही शी इट दे वी अस, तो इन शब्द को क्या कहेंगे हम, प्रोनाउन कहेंगे, क्योंकि नाउन की जगह पर लग रहा है, प्रोनाउन। जैसे प्लेयर होता है तो आप लोग बोलते हो पबजी फ्री फायर प्रो प्लेयर, वैसे ही नाउन की जगह पे प्रोनाउन, ठीक है। एडजेक्टिव, क्वालिटी ऑफ नाउन प्रोनाउन, ऐसा शब्द जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी खासियत बताएगा उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव, जो वर्ब की क्वालिटी बताएगा उसको बोलेंगे एडवर्ब, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताए तो एडजेक्टिव, वर्ब की क्वालिटी बताए तो एडवर्ब, ठीक। उसके बाद प्रीपोजिशन, भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर नाउन भी पकड़ लो ना, हर चीज नाउन है, तो नाउन का पोजिशन बताना कि ये वॉच इज इन माई हैंड, द मार्कर इज इन टू द हैंड, मार्कर इज ऑन द बोर्ड, तो ऐसे शब्द जो किसी की एग्जैक्ट पोजिशन बताता हो, नाउन की एग्जैक्ट पोजिशन बताता हो, तो उसे हम कहेंगे प्रीपोजिशन। और ऐसा शब्द दो जो सेंटेंस को, दो वर्ड को ज्वाइंट करता हो, जोड़ता हो, उसे हम कहेंगे कंजंक्शन। और अलग अलग फीलिंग्स, अलग अलग इमोशंस और एक्साइटमेंट के समय निकले गए अलग वर्ड्स को हम कहते हैं इंटरजेक्शन, जैसे कि वाओ, आउच, ब्रावो, वेल डन, हुर्रा, इस तरह के शब्दों को हम कहते हैं क्या, इंटरजेक्शन कहते हैं। और इनके साथ रहता है एक्सक्लेमेटरी सिंबल, इनके साथ रहता है एक्सक्लेमेटरी सिंबल, समझे? क्लियर है? ठीक। और मैंने आपको चार फैक्ट बताए नाउन के बारे में, और आपको पांचवा फैक्ट बता दूं कि भाई किसने सबसे पहले नाउन शब्द को, NOUN नाउन शब्द को इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले नाउन शब्द को इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति थे प्लाटो, जी हाँ, ग्रीस फिलोसोफर, ग्रीस जो कंट्री है देश, उसके फिलोसोफर थे ग्रीस फिलोसोफर प्लाटो, ठीक है। उन्होंने ही सबसे पहले नाउन शब्द का इस्तेमाल किया, ग्रीस फिलोसोफर प्लाटो, प्लेटो, इन्होंने ही नाउन वर्ड को पहली बार इस्तेमाल किया, ठीक। नाउन शब्द का इस्तेमाल इन्होंने बोला, इसको नाउन बोलते हैं, लैटिन भाषा से ले लिया और उसको नाउन बोला। आपको जानकर हैरानी होगी या पता ही होगा ऑलरेडी आपको कि आपने इतना सारा जब भी पढ़ा साइंस में या किसी भी इसमें टर्म पढ़ते हैं, इवन मैथ्स में भी, तो कई शब्दों को लैटिन भाषा से लिया गया है या फिर कुछ सिंबल्स को ग्रीक भाषा से लिया गया, आपने देखा होगा लेमड़ा, पाई है ना, अल्फा, बीटा, इस तरह के सिंबल्स को कहां से लिया गया है, तो ग्रीस से या फिर लैटिन से। तो इंग्लिश में भी ये जो ग्रीस फिलोसफर है प्लेटो, उन्होंने पहली बार नाउन शब्द का इस्तेमाल किया था, पूरी दुनिया में सबसे पहला व्यक्ति है ये ग्रीस फिलोसफर प्लेटो जिन्होंने नाउन शब्द का इस्तेमाल किया। तो आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, आज के सेशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की, ये सेशन यहीं पर आज खत्म होता है, फिर आपसे मिलेगा हम अपने अगले सेशन में, कल के सेशन में, जिसमें हम नाउन के टाइप्स को पढ़ेंगे, नाउन के जो अलग अलग टाइप है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इन सबको पढ़ेंगे। और बोर्ड एग्जाम पे यही पूछ, नाउन नहीं पूछता, नाउन के टाइप पूछते, नाउन को छोड़ के बाकी ये सब पूछेगा अलग अलग, क्योंकि इनके टाइप ज्यादा नहीं है, लेकिन नाउन के बहुत सारे टाइप्स है, तो वो टाइप अलग से पूछता है, ठीक है। तो भाई हम नाउन के टाइप्स को पढ़ेंगे अगले सेशन में,
अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिए, उन्हें भी इनरोल करवाइए, उन्हें भी कहिए कि वो सेशन ज्वाइन करें, और इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सभी का थैंक यू जुड़ने के लिए। बाय बेटा। हाँ बोलो जैस, किसमें किसमें? देखिए सी में आप खुद की आंखों से देखेंगे, इस बात को ध्यान रखना। आप खुद के लिए बोलेंगे सी, खुद के लिए बोलेंगे कि मैं देख रहा हूं, ये नहीं बोला क्योंकि ही इज सीइंग, ऐसा कभी नहीं बोलते। ही इज लुकिंग बोलते हैं, सुना होगा आपने, ही इज लुकिंग बोलते होंगे, ही इज सीइंग कभी नहीं बोलते, है ना। तो सी वर्ड सेल्फ के लिए इस्तेमाल होता है, इस बात को ध्यान रखिए। जो सी वर्ड है सिर्फ सेल्फ के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरों को बताना है तो वॉच और लुक बोलेंगे, कि दूसरों को बोलेंगे वॉच और लुक। अब आता है कि वॉच कब बोलते हैं, लुक कब बोलते हैं, भाई वॉच तब बोलेंगे जब हमें कोई इंसिडेंट कोई सीन दिखाना, वॉचिंग टेलीविजन। तो भाई टेलीविजन तो अलग चीज है, लेकिन टेलीविजन के अंदर भी कुछ चल रहा है, तो जब कभी हमें अलग सीन दिखाना होगा किसी को तो हम वॉच का बोलेंगे, वॉच चीज को, ठीक है। और कभी किसी पर्टिकुलर एकज बात को दिखाना है कि जिसको लुक लुक ओवर द मंकी, उस मंकी को, उस बंदर को देखो, तो हम लुक शब्द का इस्तेमाल करें। जब आपको खुद के लिए इस्तेमाल करना है देखना, तो भाई सिर्फ सी वर्ड बोलो। जब कभी आपको किसी पर्टिकुलर सीन को, जहाँ ढेर सारी चीजें हो रही है, जैसे कोई मूवी चल रही है, तो मूवी को लुक कभी नहीं बोलते, सी कभी नहीं बोलते, उसको वॉच बोलते। क्यों? क्योंकि मूवी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें देखने आ रहे होते हैं, बहुत चीजें चल रही होती है, ढेर सारी चीजों पर फोकस करना पड़ता है, तो उसको वॉच बोलते हैं। जबकि किसी पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर नॉन लिविंग थिंग, व्यक्ति को देखना है, उस पर फोकस करना है, तो क्या कहेंगे? लुक कहेंगे। समझा? क्लियर है? ठीक, तो चलिए आज के सेशन में अच्छा लगा सभी से, इंटरेस्ट से आपने सुना, बढ़िया, थैंक यू। अपने क्लासमेट्स और भी फ्रेंड्स को आप इनरोल करवा दिए टीचमेंट ऐप पे, इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, फिलो कॉस्ट कोई पैसा नहीं, और पूरा ग्रामर सीरीज कवर करेंगे। इसके बाद में कुछ फैक्ट्स वाले वीडियोस भी लाऊंगा, और जो लोग इसमें नए जुड़े हैं कुछ लोग होंगे एक्स्ट्रा, उनके बता दो। कुछ स्टडी क्लास चैनल है यूट्यूब पे, मेरा स्टडी क्लास चैनल है, वहाँ पे भी इस तरह के वीडियोज आएंगे। कल या फिर आज शाम तक मैं एक फैक्ट वाला वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो आप वो फैक्ट्स वगैरह के वीडियो भी वहाँ देख सकते हैं आसानी से। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टडी क्लास, और मिलते हैं आपसे इसी टाइम पे कल की क्लास में। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सेम टू आप सभी को भी।